अभी एशिया कप का दुख कम नहीं हुआ था कि ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी का रोला डल गया। आईसीसी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी वापस छीनने लगा। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है और ऐसे में अब खबर आ गई कि पाकिस्तान को मिलने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स वापस लेकर अमेरिका और वेस्ट इंडीज को दिए जाएंगे। मगर क्यों? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट टीम ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि सारी सजाएं उन्हें ही दी जा रही है? पहले एशिया कप की मेजबानी थी जो पाकिस्तान में होना था, मगर बीसीसीआई ने सबको मना कर दिया। यूं एशिया कप पाकिस्तान के हाथों से चला गया और अब चैंपियंस ट्रॉफी। इस सारे मामले में पीसीबी क्या कर रहा है? आईसीसी पीसीबी के साथ सौतेलों जैसा सलूक क्यों कर रहा है? अगर पाकिस्तान से आईसीसी के बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वापस ली जाती है तो पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन बचेंगे? क्या पाकिस्तान खेलों की आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा? आईसीसी मेजबानी छीनने के बदले में पाकिस्तान को क्या देगा? आईसीसी ने पाकिस्तान को बदले में किसी चीज की ऑफर दी है या नहीं? पीसीबी का अभी तक क्या रिएक्शन आया है? अमेरिका को तो वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी भी मिली है और वो कह रहा है कि वो मेजबानी नहीं कर सकते क्योंकि उनके स्टेडियम्स डेवलप नहीं है, तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कैसे कर सकते हैं? एक साल में ऐसा क्या चमत्कार करेंगे वो कि सब कुछ तैयार कर लेंगे? और आईसीसी ने अभी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान तो किया नहीं, तो फिर वो 2025 वाले चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान कैसे कर सकेंगे? ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वापस लेने की सिर्फ अफवाह है या इसमें कुछ हकीकत भी है? बताएंगे आपको इस वीडियो में। मगर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक व्यूअर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। दोस्तों, इंडियन मीडिया आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मनगढ़ंत बेबुनियाद खबरें चलाता रहता है, ऐसी खबरें जिसका सर पांव ही नहीं होता। और ऐसी ही खबर दी है न्यूज़ 18 ने एक स्टोरी की है कि आईसीसी पाकिस्तान से 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वापस लेने का सोच रहा है और ये मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज को दी जा सकती है क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 2024 का T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल है और अमेरिका ने वर्ल्ड कप की मेजबानी लेने से माजरत कर दी है क्योंकि उनके यहाँ स्टेडियम और क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो वहाँ वर्ल्ड कप करवा सकें। इसलिए 2024 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड को दी जाएगी और बदले में अमेरिका को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी दी जाएगी। भाई, जो मुल्क वर्ल्ड कप नहीं करवा सकता वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे करवा सकेगा? ये तो सरासर झूठी स्टोरी लग रही है। वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन है? पाकिस्तान। और मेजबानी किसके पास है? पाकिस्तान। तो ऐसी क्या वजह है कि ये मेजबानी पाकिस्तान से वापस ली जा रही है? तो इसका भी जवाब कोई नहीं है आईसीसी के पास। इंडियन मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी बदले में पाकिस्तान को अच्छे खासे पैसों की ऑफर कर रहा है कि आप पैसे ले लो, मेजबानी छोड़ दो। भाई, ये तो नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ पीसीबी का रोल नहीं है बल्कि पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। इसलिए ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने भी आईसीसी की ये ऑफर रिजेक्ट करने का प्लान बनाया है। मेजबानी पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ही होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी, ये सब अफवाहें उड़ा रहे हैं। रही बात इंडिया की कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगा तो ना आए, तो ये तो नहीं हो सकता। उन्हें आना पड़ेगा पाकिस्तान। और पीसीबी ने भी ये बात आईसीसी को खुलकर बताई है कि अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए जाएगी तो बदले में इंडिया को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।